हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से फ़ोनपे का आईडी बना सकते हो। तो गाइस, आप लोग अगर भी फ़ोनपे का आईडी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। छोटा सा वीडियो होने वाला है, पूरा डिटेल आप लोग को बताने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर, जिससे कि आप लोग फ़ोनपे का आईडी आराम से बना सको। तो भाई, इस वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, या फिर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा फ़ोन पे यहां पे आ चुका है, तो हम लोग को क्या करना है, यहां पे इसको ओपन करना है, ठीक है। तो भाई, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ओपन करेंगे। यहां पे फिलहाल नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हम लोग हमारे फ़ोन से ही ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे हमारा फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पे ओपन करने के आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहां पे आप लोग को आपका जो भी बैंक से रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डालना है। तो जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं हमारा बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर, जिससे कि यहाँ पे हम लोग फ़ोन पे चलाएं। तो भाई, ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका फ़ोन नंबर बैंक से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, तो दोस्तों हमारा थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, और थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेने के बाद जो हमारा यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर कुछ प्रॉब्लम है शायद तक, तो एक कम करना है, आप लोग को अपडेट कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ोन पे को एक बार अपडेट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है अपडेट नहीं होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ऑप्शन आता है, यहाँ पे OTP जो है मांगता है, और यहाँ पे थोड़ी देर में हमारा OTP आ जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, उसके बाद लोडिंग योर फ़ोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग लेता है थोड़ी देर, उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं क्या होता है। वहाँ पे अलाउ जो लगता है आपको अलाउ कर देना है, जो भी अलाउ वगैरह देने के लिए बोलता है, ठीक है। हाँ, तो भाई यहाँ पे फाइनली हमारा ओपन हो चुका है। तो भाई, हम लोग को अब क्या करना है, सिंपल से आप लोग को बता रहे हैं। तो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेता है, उसके बाद यहाँ पे चालू हो जाता है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे प्रोफाइल पे के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, चेक बैलेंस। आप लोग को मैं मार्क करके दिखाता हूँ, तो ये है चेक बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है आप लोग को। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बैंक ऐड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ मेरा ऑलरेडी बैंक ऐड है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ प्रोफाइल पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। तो दोस्तों, लोडिंग लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे बैंक ऑप्शन मिलेगा, व्यू पेमेंट मेथड। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, ऐड कार्ड कर सकते हो, UPI अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा होगा, आप लोग को दिखाते ये ऐड न्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप लोग आपका बैंक जो भी ब्रांच है आपको यहाँ पे सर्च मारना है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च मारते हैं, तो हमारा यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक है। तो भाई, यहाँ पे हम लोग सर्च मार चुके हैं, और यहाँ पे प्रोसेसिंग वेरीफाई कंसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ, ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर सेंडिंग SMS वगैरह वगैरह जो भी होता है हमारा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है यहाँ फाइंडिंग लिंक विथ, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे लिंक हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर में हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग लेता है। तो दोस्तों, हमारा फाइनली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन आ रहा है UPI पिन एक्सिस्ट्स फॉर दिस अकाउंट एग्जिस्ट। हमारा UPI पिन बना हुआ है पहले से, तो हम लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को किस तरह से करना है वो हम बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग को क्या करना है, रीसेट UPI पिन, हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो रीसेट ऑप्शन आ रहा है। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी फिजिकल और वर्चुअल जो भी ATM कार्ड है, आपको ATM कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो भाई, हमने यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट जो भी होता है हमने डाल दिया है, उसके बाद वैलिड, ठीक है, वैलिड जो भी आपका ATM जो भी ATM कार्ड में आपका डेट है, एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालना है। तो हमने एक्सपायरी पहले यहाँ मंथ डालना है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखा होगा आपके ATM कार्ड पे या फिर डेबिट कार्ड में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। उसके बाद OTP आएगा, उसके बाद OTP आने के बाद आप लोग को पिन सेट करने के लिए बोलेगा, तो भी आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो हमारा OTP आ चुका है, यहाँ पे हम लोग को राइट करना है, तो हम लोग यहाँ पे राइट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पिन सेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग को पिन सेट करना है, तो हम लोग यहाँ पिन सेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पिन सेट कर लेते हैं आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पिन सेट कर दिया, अपना 6 डिजिट का पिन डाल दिया। आप लोग ऑप्शन में 4 आ सकता है, आप लोग इसको 4 डिजिट कर सकते हो, और 6 डिजिट का भी कर सकते हो। मेरे ख्याल केस में 6 डिजिट का डालने के लिए बोला, तो मैं डाल दिया, सिंपल सा काम हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ प्रोसेसिंग लेगा थोड़ी देर, यानी यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली पिन सेट हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट वगैरह जो भी होता है, तो हम लोग को यहाँ पे डन कर देना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे बैक आना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन खुल जाएगा, हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह जो भी होता है तो हम लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फ़ोन नंबर से किसी को पेमेंट करना होगा, यहाँ पे ऊपर में QR कोड स्कैन करके भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चेक बैलेंस करना है तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे चेक बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस था। आप लोग बताना आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसी वीडियो अगर आप लोग आगे भी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए।